वैसे तो बॉलीवुड में हर हफ्ते किसी न किसी एक्टर की फिल्म रिलीज होती है, किसी की फिल्म हिट होती है तो किसी की फ्लॉप होती है। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के उस एक्टर के बारे में जिसने लगातार हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड बना दिया है। पर इससे पहले आपको बता दें कि बॉलीवुड में आज भी सबसे ज्यादा लगातार हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के नाम है, जिन्हें लोग काका के नाम से भी जानते हैं। राजेश खन्ना ने अपने दौर में लगातार 15 हिट फिल्में दी थी, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। खैर, उनके इस नक्शे कदम पर उनके दामाद यानी कि अक्षय कुमार भी चल रहे हैं, जिन्होंने लगातार 11 हिट फिल्में दे दी हैं। और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक वो अपने ससुर यानी कि राजेश खन्ना का ये रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। अक्षय के अलावा इस लिस्ट में दूसरे बाला यानी कि आयुष्मान खुराना का नाम आता है। आयुष्मान ने इसके साथ ही अमिताभ बच्चन की बैक टू बैक 6 हिट फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बीते शुक्रवार रिलीज हुई आयुष्मान की नई फिल्म बाला ने उनके करियर में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने का रिकॉर्ड भी बना दिया है। ड्रीम गर्ल से लगातार हिट फिल्मों की डबल हैट्रिक करने के बाद उनकी नई फिल्म बाला ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई दर्ज की है। बाला ने ओपनिंग के मामले में ड्रीम गर्ल को भी पछाड़ दिया है। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के मुताबिक स्त्री फिल्म से डेब्यू करने वाले डायरेक्टर अमर कौशिक की फिल्म बाला ने पहले दिन 10 करोड़ 15 लाख रुपए की कमाई की है। और इसी के साथ इस फिल्म ने आयुष्मान की ही पिछली फिल्म ड्रीम गर्ल के पहले दिन के 10 करोड़ 5 लाख के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आयुष्मान खुराना ने फिल्म की सक्सेस का क्रेडिट बाला की पूरी टीम को दिया है। उन्होंने कहा है कि इस खुशी को वो अपने डायरेक्टर अमर कौशिक, प्रोड्यूसर दिनेश विजन, फिल्म की दोनों एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर और यमी गौतम और फिल्म के बाकी क्रू मेंबर के साथ साझा करना चाहेंगे। आज खुशी का दिन है आया बिल्कुल डेफिनेटली बननी चाहिए बिकॉज यू नीड टू लव योरसेल्फ। खुद को प्यार नहीं करोगे तो दूसरा तुम्हें घंटा प्यार करेगा। सुपर मूवी है आयुष्मान, he doesn't disappoint. मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, स्क्रीन प्ले था, डायरेक्शन था, ईच एंड एवरीथिंग वाज ग्रेट ग्रेट ग्रेट। डायरेक्शन भी बहुत अच्छा किया जिसने भी किया, और मतलब आयुष्मान का लास्ट मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम अंधाधुन, बधाई हो, एंड ड्रीम गर्ल, एंड दिस बाला, ऑसम। बिल्कुल ज़रूरी है और जनरल कॉन्सेप्ट है ये, और कॉमन चीज़ है तो इस पर बननी चाहिए। ऐसी चीज़ें आ रही हैं इंडस्ट्री में, अच्छा है। सुपर मूवी है। जब यामी गौतम को पता चलता है कि आयुष्मान खुराना टकला है, नहीं सुपर, कुछ अलग स्टोरी लाए, अलग स्क्रिप्ट लाए मूवी में, डायरेक्शन भी अच्छा है। ये कि वो दिखाती है कि हमारे समाज में जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए, सबको एक समान मानना चाहिए, हर किसी को सोच बदलनी चाहिए और किसी के बीच। आपको आयुष्मान स्टार बाला फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और एंटरटेनमेंट की ऐसी ही हर खबर के लिए हमारे चैनल आज की खबर को सब्सक्राइब जरूर करें।